हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स, दिस इज माही। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथ के बारे में, जो आपके क्या बोलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस वर्ष 2024 एंड 2025 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां रही आपकी पूरी चैप्टर्स के ओवरऑल व्यू, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप क्लास 12 के मैथ में आपको मैं डायरेक्ट बोलूं कि 100 out of 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 12 की मैथ जो होती है ये 100 out of 100 आपको नंबर देता है, इसे कोई नंबर कटने वाली नहीं है, बस आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। मैं बताऊंगा कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है और किस चैप्टर पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर से 8 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। और सबसे पहला, क्लास को स्टार्ट करने से पहले बिफोर नो अबाउट द सिलेबस, हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिलेबस है, जैसे हमारे पास क्लास 12 के सिलेबस है, यहाँ पे हमारे पास क्लास 12 के सिलेबस सबसे पहला हमारे पास चैप्टर्स है संबंध एवं फलन, ठीक है। क्लास 12 का पहला चैप्टर मैथ का संबंध एवं फलन, दूसरा चैप्टर से प्रतिलोम एवं क्या होता है प्रतिलोम एवं त्रिकोणमिति, क्या है दूसरा चैप्टर प्रतिलोम एवं त्रिकोणमिति, और चौथा है हमारे पास आप भी हो, तीसरा आप भी हो, चौथा सारणिक, पांचवा सत्यता एवं अवक्लिनता, छठवां हमारे पास है अवकलज के अनुप्रयोग, और सातवां हमारे पास है समाकलन, आठवां हमारे पास समाकलन के अनुप्रयोग, उसके बाद नौवां हमारे पास है अवकल समीकरण, उसके बाद दसवां है हमारा सदिश बीजगणित, एंड नेक्स्ट हमारा है त्रिविमीय ज्यामिति, अगेन हमारा है रेखीय प्रोग्रामर, और उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वाला प्रायिकता क्रम से। ओके, ये रही टोटल आपके चैप्टर्स। अगेन हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट योर बोर्ड एग्जाम, योर कंडक्ट योर रिव्यू बोर्ड एग्जामिनेशन, लाइक जो आपका किस तरह से पेपर बनाता है उसके हिसाब से मैं बात करता हूं। जैसे हमारे पास सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है सारणिक एवं अभ्यू, ठीक है। सारणिक अभ्यू जो होता है टोटल 16 नंबर का पूछता है, कितने नंबर का, टोटल 16 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अभी नोट कर लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज यहां से 16 नंबर का मतलब कंडक्ट किया जाता है मार्क्स, उसके बाद आप यहां से उठा लो सत्यता एवं अवक्लिनता, ठीक है, सत्यता एवं अवक्लिनता से लेकर के पूरा सत्यता एवं अवक्लिनता से लेकर के हमारे पास क्या त्रिविम ज्यामिति, कहां से सत्यता एवं अवक्लिनता से लेकर हमारे पास त्रिविम ज्यामिति तक, ये हमारे पास मोस्ट अवेटेड हमारे पास क्या है, मोस्ट हाईएस्ट मार्क वाले हैं, क्या है ये हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स वाले, क्या है हाईएस्ट मार्क्स वाले हमारे पास चैप्टर्स है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास रेखीय प्रोग्रामर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि इससे 5 नंबर एवं 8 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन या 8 नंबर के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, तो कंपलसरी हमारा 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। बाकी बचता है जो सबसे ज्यादा संबंध एवं फलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसका प्रायिकता क्रम से, इसको आपको ज्यादा समय नहीं देना, समय सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देना है, आप भी हो सारणिक, उसके बाद सत्यता एवं अवकलता, उसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग, फिर समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणितीय, त्रिविमीय ज्यामिति, इन सभी चैप्टर्स को आपको हमेशा प्रैक्टिस में लेना है अगर आप चाहते हैं 100 out of 100 स्कोर करें इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 and 2025 में। अगर आप चाहते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें, देन आपको इस पे फोकस करना है। ओके, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, सबसे पहला आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेना है, एवरीडे प्रैक्टिस, उसके बाद आपको क्या करना है, फार्मूला रिवीजन करना है, ये सभी चीजें मैं बता रहा हूं, फार्मूला आपको रिवीजन करना है। तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चंस रिवीजन डेली, मतलब हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन को डेली आप रिवीजन करो, ठीक है, ये हो गया। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्लास 12 की मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो मैंने आपको ओवरऑल भी बताया कौन सा चैप्टर महत्व था किस तरह। अब मत सोचिए कि आपके पास पर्याप्त समय, क्योंकि मार्च एंड होने वाला है, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, देन आपको अभी से सीरियस लेना है, यू टेक सीरियस एंड मेक आवर सेल्फ ब्रांड। ओके, अपने आप को सीरियस लो और अपने आप को ब्रांड बनाओ, और 2024 में आपका 100 out of 100 जो मैथ का रहेगा, 100 out of 100 आएगा ही आएगा अगर आप अभी से मेहनत करेंगे। कहते हैं ना कि अगर आपका शुरू सही रहेगा ना, तो आपका अंत भी बेहतर होता है, तो अपना शुरू अभी से स्टार्ट कर दीजिए।
ये मत सोचिए कि आपके पास पर्याप्त समय है, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, अभी से आप सीरियस हो जाइए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।